गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक पेज नंबर 51। ये सिर्फ इसको अपन को रीडिंग करना है, इसको लिखना नहीं है कॉपी में। तो आपकी हिंदी बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 51। ये जो कविता दी गई है, इसके लेखक कौन है? हरिवंश राय जी बच्चन। तो चलिए बुक निकाल लीजिए, शुरू करते हैं। इसका शीर्षक क्या है? कभी हार नहीं होती, केवल पढ़ने के लिए है। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, मतलब अगर लहरें से अपन डर जाएंगे तो हम कभी नाव अपने आप को पार नहीं कर सकती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कोशिश करते हैं वो हमेशा जीतते हैं, वो कभी हारते नहीं और डटकर सबका मुकाबला करते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आपने देखा होगा, चींटी जब भी दाना लेकर चढ़ती है तो वह बार बार फिसलती, लेकिन वो दीवार पर चढ़ती ही है, 100 बार फिसलती चढ़ती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। अगर आपके मन में उत्साह है आगे बढ़ने के लिए, तो हमको चढ़ के फिर से गिरते तो गिर के वापस चढ़ भी जाते, इस बात का हमें कोई अफसोस नहीं होता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी जब दाना लेकर चढ़ती और गिरती है, लेकिन वो अपने मन का विश्वास को बनाए रखती है, तो उसकी मेहनत सफल होती है, वो एक दिन चढ़ ही जाती दीवार पर। और इसलिए कहा जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। जब भी कोई गोताखोर, मतलब जो पानी में डुबकी लगाते हैं, वो कभी कभी वापस खाली हाथ लौट कर भी आ जाते हैं। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना विश्वास इसी हैरानी में। जब वो खाली हाथ वापस लौटते तो वापस वो पानी के अंदर जाते हैं, और फिर अंदर गहराई में जाकर वो कुछ ना कुछ ढूंढ कर मोती लेकर ही आते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कहा जाता है कि जब वो पानी में जाता है गोताखोर, तो वापस अपने उत्साह के साथ लौट कर आता है, फिर गहरे में जाकर कुछ ना कुछ लेकर आता है। इसलिए कहा जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। अगर हम किसी काम को करते करते असफल भी हो जाते हैं, तो ये हमें एक चुनौती मिलती है, इसको हमको अपने आप में स्वीकार करना चाहिए, और क्या कमी रह गई हमारे सफलता में, उसके लिए अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। अगर आपने कोई काम अपने हाथ में ले लिया, जब तक उसकी सफलता नहीं मिल जाती, इसके पीछे हमें लगे ही रहना है और संघर्ष करते हुए उसमें डटे रहना है। कुछ किए बिना ही जय जय कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते, जब तक हमारी मतलब तारीफ नहीं होगी, इसलिए कहा जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके लेखक कौन, कवि कौन है? ये हरिवंश राय जी बच्चन। तो इस कविता को आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध कविता है, अमिताभ बच्चन जी भी बहुत बार इसको दोहराते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए, डर का मुकाबला सामना करना चाहिए। इसका उदाहरण हमारे लिए चींटी हो सकती है। चींटी से बढ़कर तो, चींटी से छोटा तो कोई जंतु इस दुनिया में ही नहीं। जब चींटी अपने काम में नहीं घबराती है, तो हमें भी अपने काम से घबराना नहीं चाहिए और डटकर सामना करना चाहिए। अगर हम कभी असफल भी हो जाते हैं, तो हमें उसको सफलता के लिए एक चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, और जो सफलता पाने में क्या कमी रह गई, उसको अभी हमको विचार करना चाहिए। और जब तक हम सफलता प्राप्त ना कर लें, हमें अपनी नींद चैन सब त्याग देना चाहिए और संघर्षों में डटकर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम कुछ अच्छा नहीं करेंगे, तो कहीं हमारी जय जयकार नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस कविता को आप पढ़िए और अपने जीवन में इसका मनन कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।